थर्ड है अम्ल और क्षार का, ठीक है। इस वीडियो में हम लोग क्या समझेंगे कि जो अम्ल होते हैं और क्षार होते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टी यानी कि रासायनिक गुण के बारे में समझने वाले हैं। तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या होते हैं, ये कैसे बिहेवियर शो करते हैं, हम क्या करते हैं जब भी किसी भी अम्ल और क्षार को मिला देते हैं किसी न किसी धातु में, यानी कि धातु उसमें हम एंटर करा देंगे तो वो कुछ ना कुछ क्रिया देता होगा। कैसे, देखो ध्यान से, जो धातु होता है धातु की क्रिया अम्ल से भी कराते हैं और क्षार से भी कराते हैं। जब धातु की क्रिया हम लोग अम्ल से कराते हैं, अम्ल के साथ कराई जाती है, तो वो क्या करता है, अम्ल जो है ना वो धातु दोनों के साथ क्रिया करता है और करने के बाद लवण और हाइड्रोजन गैस निकालता है। ये कुछ अभिक्रिया है, देखो ध्यान से कैसे। जैसे कि एक अम्ल है जिसका नाम है HCl, जिसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। इसकी क्रिया हुई है जिंक के साथ, जडन के साथ। जडन ने क्या किया, ये जो Cl2 ग्रुप है Cl को यहां से रिप्लेस करके अपने साथ ले गया, जिसे बना क्या, जडन Cl2, और प्लस का हाइड्रोजन गैस यहां से निकल जाता है। मैं आपको एक और अभिक्रिया करके इसको दिखा रहा हूं, आप इस अभिक्रिया को ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए हमारे पास H2SO4 नाम का एक प्रबल अम्ल है जिसकी अभिक्रिया हम लोगों ने किसी एक एलिमेंट के साथ, यानी कि मान लो जडन ही ले लिया मैंने, जडन के साथ करा ली, तो जडन क्या करेगा, इस क्योंकि ये एनायन वाला पार्ट है, ये प्लस में, ये माइनस में टूटेगा, और ये पार्ट क्या करेगा, प्लस टू का, ये इसको क्या करेगा, हटाएगा और जगह पर आकर बैठ जाता है, बन जाता है जडन SO4, और प्लस का क्या बनेगा, H2 गैस अलग हो जाती है। तो यही बात होती है, जब कोई अम्ल किसी धातु से अभिक्रिया करता है तो लवण और हाइड्रोजन गैस निकालता है। यह भी एक क्या है, लवण है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। क्योंकि क्षार होता है ना वो कैसे अभिक्रिया करता है, ठीक है, तो कोई जो क्षार होता है वो धातु से अभिक्रिया कैसे करता है, ये हम ध्यान से देखते हैं। देखिए जो क्षार होते हैं धातु से रिएक्शन करने पर वह भी लवण और हाइड्रोजन गैस ही देते हैं। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं NaOH एक प्रकार का प्रबल क्षार है जो जिंक के साथ यानी जडन के साथ अभिक्रिया करके Na2 जडन O2 यानी कि सोडियम जिंकेट और प्लस का हाइड्रोजन गैस यहाँ दे रहा है, ठीक है। ये आपका एक एग्जांपल होता है। अब के सेशंस में हम आगे बढ़ते हैं और आपका जो हम लोग का टॉपिक है वह है धातु कार्बोनेट तथा धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। धातु कार्बोनेट यानी कि कार्बोनेट का जो फॉर्मूला होता है वो CO3 होता है, और उसमें अगर जो बोला गया है धातु तो उसमें मैं M जोड़ दूं यानी कि मेटल को जोड़ दूं तो हो जाएगा धातु कार्बोनेट, ठीक है। अब वो मेटल कैसा है वो बात की बात होती है, ठीक है। ऐसे यहां पर मैंने बाई बोला है तो H लग जाता है, बाई का मतलब H होगा और कार्बोनेट का मतलब CO3, इसके साथ कोई मेटल जोड़ दूं तो यहां बोलूंगा MHCO3। अब इसको मैं समझने की कोशिश करता हूं अम्ल के साथ भी और क्षार के साथ भी। तो देखिए मैं पहले बता दूं, जो धातु कार्बोनेट है और धातु बाई कार्बोनेट है वो क्षार के साथ कोई अभिक्रिया नहीं देते हैं, ठीक है। इसको आप कहीं नोट डाउन कर लो और अच्छे से ध्यान से समझो कि कोई जो क्षार है ना वो अभिक्रिया नहीं करता है, ठीक है। जो क्षार है वो अभिक्रिया नहीं करेगी किसके साथ, धातु कार्बोनेट के साथ या धातु बाइकार्बोनेट के साथ, इसके साथ ये अभिक्रिया नहीं करते हैं। तो ध्यान से समझो, आगे समझना, ये अम्ल कैसे बिहेवियर देते हैं धातु कार्बोनेट के साथ और धातु बाइकार्बोनेट के साथ। तो मैं एक अम्ल लेता हूं, मान लो मैंने अम्ल लिया HCl, ये धातु कार्बोनेट यानी कि मैंने Na2CO3 ले लिया। Na2CO3 क्योंकि Na क्या है ना, मेटल हो जाता है, CO3 यानी कि कार्बोनेट। अब ये इससे रिएक्शंस करेगा तो आपको सिंपल दिख रहा है कि यहाँ दो मॉल से, तो दो मॉलिक्यूल्स मैंने ले लिया, ये होता क्या, Na का Cl निकल जाता है, यानी दो मोल्स आप NaCl निकलता है, प्लस का क्या होता है, तो यानी कि क्या Na का Cl निकल गया, मतलब NaCl यहां से निकल जाता है, ये बात ठीक है, NaCl यहां से निकल जाता है, और साथ ही साथ जो यहाँ पर मिल रहा है CO3 इसमें से निकलता है CO2, प्लस का क्या निकलता है, CO2 निकलता है, और प्लस का यहाँ से H2 है तो निकल जाता है H2, और यहाँ से ऑक्सीजन है तो निकल जाता है H2O। यानी कि जो अम्ल के साथ जब भी क्रिया होगा वो धातु कार्बोनेट हो या धातु बाइकार्बोनेट हो, वह क्रिया करके लवण बनाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं और जल बनाते हैं। ये तीन चीजें आपको याद रखनी है। तो चाहे वो धातु कार्बोनेट हो या धातु बाइकार्बोनेट हो, दोनों के साथ रिएक्शंस हो जाते हैं। तो ये जो रिएक्शन मैंने अभी भी बताया आपको, ये जो था वो धातु कार्बोनेट के साथ था। अब हम रिएक्शन देखते हैं धातु बाइकार्बोनेट के साथ। तो देखो धातु बाइकार्बोनेट के साथ कैसी अभिक्रिया होगी, इसको देख लो। तो कोई भी मैं ले रहा हूं, वैसे मान लो HCl मैंने कोई अम्ल लिया, ठीक है, अम्ल के साथ ही क्रिया करा रहा हूं, और किसके साथ, धातु बाइकार्बोनेट यानी कि मान लो मैंने ले लिया NaHCO3 ले लिया, ठीक है।
इसका रिएक्शन बहुत ही आसान है, देखिएगा ये इसके साथ रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, एनी का सीएल बनाते हैं, यानी एनएसीएल बनाते हैं। और प्लस का क्या होता है, यहां से CO2 ग्रुप निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रुप निकलता है। और प्लस का क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रुप यहां से निकल जाता है और प्लस का एक ऑक्सीजन यहां से, और ये दो एच यहां बच गए, मतलब तो H2O निकल जाता है। यानी कि मेरे कहने का ये मतलब है कि जब कोई भी धातु का कार्बोनेट हो या धातु बाइकार्बोनेट हो, ये सभी सभी रिएक्शन करने के बाद लवण बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाते हैं। तो ये मैंने आपकी कुछ बातें बताई जो अम्ल और क्षार के रासायनिक गुण थे। और भी बातें बहुत सी हैं जो हमें करनी है, लेकिन ये सभी बातें नेक्स्ट लेक्चर में होंगी, लेक्चर नंबर 4 में। तब तक के लिए आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को हिट कीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके।